दोस्तों, पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी मैं तेरा हीरो, जिसके हीरो थे वरुण धवन। लेकिन किसी भी सक्सेसफुल फिल्म में कैमरा के पीछे भी कुछ हीरोज होते हैं जिनकी मेहनत रंग लाती है, जैसे कि डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर। और ऐसे ही मैं तेरा हीरो के एक हीरो, कैमरा के पीछे वाले हीरो हमारे साथ स्टूडियो में है। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम स्क्रीन प्ले राइटर तुषार हीरानंदानी। तुषार जी, वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू कोमल। अब तो सक्सेस की आदत सी पड़ गई है। Yeah, I think so. Yeah, it's happening. I just think I'm being lucky actually. अच्छा, लक को आप क्रेडिट देंगे? I think also luck is I got married and after I got married all my films started running. So I think after every they say after every successful man there's a woman. I think my wife has really helped me to get my luck. That's very kind of you. But usse pehle, shaadi se pehle failure zyada tha, success kam tha. Tab kaisa lagta tha? Did you lose heart sometime? Actually, the only successful film that I ever had was my first film, which you were a part of, which you helped me. It was a success. Then you disappeared and all my films were flopped. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मस्ती के बाद, but after Masti, all my films flopped, to be honest. And I had given up writing. I started working. I took up a job in Kesera Sera. Sera. But I realized my heart was still not into the job. And luckily or unluckily, Kesera Sera Sera stopped. So then I had to write again. और मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी फालतू की, जो एक कोई और डायरेक्ट कर रहा था और मुझे पता चला कि रेमो डायरेक्ट कर रहा है। फालतू फिल्म की। या, फालतू फिल्म। और वो चालू होगी लकीली। एंड दैट मूवी स्टार्टेड एंड दैट मूवी वाज लाइक माय फर्स्ट हिट बैक। और उसके बाद अतिथि तुम कब जाओगे, कुमार जी गेमी, कुमार मंगल जी कॉल्ड मी एंड सी माय लक इन देयर वाज अ डिफरेंट स्टार कास्ट टू इट। इट वाज अ स्मॉलर स्टार कास्ट इन अतिथि तुमका जाओगे। सडनली वी हैड अजय देवगन डूइंग इट। सो अगेन माय लक स्टार्टेड रनिंग एंड दिस इज ऑल ड्यूरिंग माय वेडिंग। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आफ्टर आई गॉट मैरिड दिस हैपेंड टू मी। आल्सो माय अनदर रीजन आई थिंक वाज माय मदर आल्सो वाज रियली ब्लेस्ड प्रेइंग फॉर मी अ लॉट दोस डेज, बिकॉज़ शी रियलाइज्ड मैं नीचे जा रहा था, आई वाज गेटिंग ओवर। इनफैक्ट मैं I wanted to do something else. I was getting into construction. Almost gave up everything and but then this all started. It again started. Then uske baad chalte gaya, double dhamal aaya, fall houseful 2 aaya. Then I'm enjoying it. Then chal raha hai, grand masti tha, ABCD tha. So then this is what. Now my next part, jo mujhe abhi interesting lag raha hai, meri jo next picture aa rahi hai villain. Aur wo bahut hi alag picture hai. Main aaj tak ke sab maine comedy light hearted films ki hai. और ये थोड़ा अलग हटके है क्योंकि अगेन आई डोंट नो, आई थिंक एज अ राइटर आदमी थक जाता है, पक जाता है, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट आई गॉट लिटिल रेस्टलेस। आई डिड हाउसफुल, डबल धमाल, आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। सो आई वॉक्ड अप टू मोहित सूरी एंड आई सेड आई वांट टू वर्क विथ यू बिकॉज आई रियली लाइक मर्डर टू। एंड तो उसने बोला कम ऑन, आई डोंट हैव अ प्रोड्यूसर। आई सेड आई डोंट नीड अ प्रोड्यूसर, आई विल वर्क फॉर यू। एंड विलेन वहां से चालू हुई हमारे और नाउ इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू रिलीज ऑन 27 जून। एग्जैक्टली। और विलेन का जो पहला ट्रेलर आपकी ही फिल्म मैं तेरा हीरो में देखने को मिला, आई थिंक पीपल हैव जस्ट लव्ड द ट्रेलर। थैंक यू कोमल जी। इट्स एक्चुअली इट्स मोहित सूरी, द फिल्म इज नाइस। क्या होता है, हम ट्रेलर देखते हैं, वो एक्चुअली डायरेक्टर का कमाल होता है। इफ अ डायरेक्टर कैन टेल यू द स्टोरी एंड यू गेट हुक्ड ऑन टू अ 1 मिनट प्रोमो, इज द डायरेक्टर हु टेक्स ऑल द, इट शुड बी गिवन द क्रेडिट। और आजकल प्रोमो और म्यूजिक, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है टू डिसाइड वेदर द फिल्म विल गेट ओपनिंग और नॉट। 100% एंड एक्चुअली नॉट ओनली प्रोमो एंड म्यूजिक, इट्स इवन अ गुड फिल्म लाइक इफ यू सी क्वीन, द म्यूजिक और द प्रोमो डिडंट कॉट कैच अप बट द मूवी वाज नाइस आफ्टर द रिलीज। दैट यू शुड गिव क्रेडिट टू द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स दैट टुडे कंटेंट इज वर्किंग। इट डजंट मैटर व्हाट योर स्टार कास्ट, आपकी स्टार कास्ट कितनी भी बड़ी हो, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है आज राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए कि वी हैव अगेन कम इन द फोरफ्रंट। आपने सही बताया कि कंटेंट बहुत ही मायने रखने लग गया है बिकॉज the audience has become very discerning, I think. Yes. So they reject you, Komal ji. Aaj aap dekhiye, agar TV pe koi baithta hai, they have this remote in their hand. Everybody is used to this. I feel everyone has a remote control. In 1 minute, they decide they want to change the channel. And I think that's the way today people, audience decides in a minute they want to see a film or they don't want, they don't want to see a film. In one frame, the audience has become so smart. We think audience are fools. They are not fools. They are really smart. We have to make films for the audience. And that's what I believe. I work, I don't work on my own. Main kabhi akele ghar pe baith ke ek word nahi likhta hun. Achha. मैं हमेशा डायरेक्टर के साथ बैठ के लिखता हूँ बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर्स राइटर। आई राइट अकॉर्डिंग टू माय डायरेक्टर बिकॉज आई थिंक अ फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम एंड द डे वी थिंक दैट वे द मूवीज, आई फ्रॉम द डे आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट वे माय मूवीज हैव रन।
इट्स नॉट बिकॉज सर्टन एक्टर है ये पिक्चर में और हमको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा. नो आई थिंक व्हाट द डायरेक्टर हैज टू, इफ द डायरेक्टर इज क्लियर ना कोमल जी, द पिक्चर इज अ हिट फ्रॉम डे वन. फैंटास्टिक. सो जनरली स्पीकिंग, जैसा आपने कहा कि मैं डायरेक्टर के साथ बैठ के लिखता हूँ, जनरली स्पीकिंग आप जब स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रीन प्लेज लिखते हैं, कितना समय लगता है आपको एक स्क्रिप्ट? कोमल जी, टू बी ऑनेस्ट, ABCD1 मैंने एक दिन में लिखी विद रेमो. एक रात में हमको पता चल गया था हम क्या लिख रहे हैं. पार्ट वन हमको, हमारा क्या होता है, इफ यू हैव योर स्टार्ट मिडिल एंड एंड ना कोमल जी, योर पिक्चर, यू नो व्हाट योर मूवी, फिर तो सिर्फ बीच के मतलब भरना है. क्या हो जाता है, बहुत टाइम हमें हमारा स्टार्ट मालूम होता है, इंटरवल पॉइंट किसी को पता नहीं होता और एंड तो पता ही नहीं होता. तो हम ऐसे चालू कर देते हैं, दैट्स माय पॉइंट टू यू, कि हमारे पास ये एक्टर है तो चालू कर दो पिक्चर. दैट आई थिंक इज बिकम रिडंडेंट टुडे. पीपल आर राइटिंग स्क्रिप्ट्स एंड देयर आर बाउंड स्क्रिप्ट्स टुडे. सो दैट्स माय पॉइंट. वी एक दिन भी लग सकता है. और या विलन वाज अ टफ फिल्म फॉर मी, लाइक आई सेड इज अ डिफरेंट जॉनर. एकदम वी आई थिंक आई हैव रिटन सम 12 ड्राफ्ट्स विद मोहित, बट वी डिडंट गिव अप. द बेस्ट पार्ट अबाउट मोहित सूरी, वी डिडंट गिव अप, वी केप्ट ऑन राइटिंग इट. दो वी हैड आवर एक्टर्स ऑन बोर्ड एवरीथिंग, वी डिलेड द फिल्म. बट आप जल्द में नहीं थे, जल्दी में नहीं देखे. इनफैक्ट हमने डिले कर दिया पिक्चर कोमल जी. हमारे स्क्रिप्ट जब तक रेडी नहीं हुआ हमने रोक दी पिक्चर. मोहित सूरी ने रोक दी पिक्चर एंड ही सेड लेट्स वर्क ऑन द स्क्रिप्ट, नो प्रॉब्लम. ही इज वर्कड अ लॉट, ही रियली वर्क्स हार्ड. आई थिंक फॉर ही इज ट्रेन्ड मी नाउ एज अ राइटर टू वर्क हार्ड. दिस मैन सेंड्स मी मैसेजेस 4 बजे सुबह, सीन सोचेगा, मुझे मैसेज करेगा, मुझे उठाएगा और 6 बजे में आई विल बी सिटिंग एट हिज हाउस इन द मॉर्निंग एंड वी डिस्कस सीन्स. सो इट्स दैट वे. सो ही इज बिल्कुल. मगर ये नया जॉनर जो आपने अटेम्प्ट किया है एक विलन में, उसमें दिक्कतें आई? कल ही इनफैक्ट मोहित से बात किया. आई सेड ये नया जॉनर नहीं है, ये एक जॉनर है जो ऑल इंडिया हमेशा चलता था, रिवेंज जॉनर, जो हम भूल चुके. जो नहीं आपके लिए नया, बट लाइक आई सेड आई डिडंट गेट अ चांस. मोहित सूरी इज द फर्स्ट वन हु बिलीव्ड इन मी टू गिव मी अ चांस टू डू दिस काइंड ऑफ अ मूवी. टुडे आई एम गेटिंग मूवीज लाइक दिस बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आफ्टर ABCD ऑल्सो आई गॉट दैट सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एज यू सेड, एंड नाउ पीपल आर कॉलिंग मी टू डू गुड काइंड ऑफ फिल्म, विच इज माय लक. टुडे आई एम इन अ पोजीशन टुडे टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स आई वांट, विच आई डिडंट हैव दैट टाइम. तो यानी इस इंडस्ट्री में सक्सेस का टैग लगना बहुत जरूरी हो जाता है जी कोमल जी. बहुत जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है राइटर के लिए स्पेशली, बिकॉज इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल नो वन विल गिव यू अ चांस, एंड इफ यू आर सक्सेसफुल यू डोंट हैव टू, इट जस्ट कम्स ऑल योर वे. And that's what I'm that's what is happening to me. Places that I think I would never be allowed are being, they're calling me again and again, and I don't want to go there anymore. So it's a different take altogether in life. Did it take its toll on you emotionally jab aapke paas kaam nahi tha? So who was your emotional anchor in life? My wife and my mother, sir. And also my dad, because I've seen my dad. I don't know if my dad used to be a distributor. He's gone through a lot. And this line, I know it doesn't stay for anybody. Or today you might be up, tomorrow you're down. But he kept on encouraging me that don't give up. I think you have it in you, you should not. He also kept on telling my family, he has stuck by me. And they said, don't worry, my sisters, there are days which I didn't have money, Komal ji. I didn't make money for months. I used to walk and go to meetings also. After giving Grandmasti and all that, I had no money at one point. But yeah, then it all came together, I think. God has helped me. And Tushar ji, mujhe ye boliye, aisa kehte hain ke ye industry walo ke paas dil nahi hota hai. So did you have to face humiliation also sometimes? A lot, Komal ji. Humiliation, but it's nothing wrong. See, I'll tell you. Ek ya do instances bataiye taki. No, there is. I don't want to take names. You face. Nahi, naam bina ke kya hua aapke saath? Nahi, log bolte the, aa gaya flop writer, aa gaya. You know, आपको ऐसी बातें सुनने मिलती थी हमेशा, बहुत टाइम, क्या हम आपको चांस दे रहे हैं, आप तो फ्लॉप राइटर हो. बट देन यू हैव टू वर्क. सो इट, सी दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइट. बट आई थिंक दे आर नॉट रॉन्ग, कोमल जी, बिकॉज आई थिंक इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट दिस, यू शुड मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर. दैट्स व्हाट आई डिड. व्हेन पीपल वर टेलिंग मी दिस, आई सेड आई विल कम बैक एंड आई विल शो इट टू यू. एंड इनफैक्ट दे एनकरेज्ड मी. I won't tell you they discouraged me. उन्होंने मुझे encouragement दिया भाई. ये बोल के आप और भी मतलब. I said no, I will work harder. They are right because Komal ji, मैंने flop दी थी. मैंने किस किन किन लोगों का घर बिक गया मेरे वजह से, which is wrong. जब मेरी film नहीं चलती आपको पता है कितना loss होता है producer के. I am guilty for that and I feel bad about that. So they are not wrong in when they say that. So then I realized. So then I started working harder and putting my heart into my films. First, like I'll tell you, मैं अपने दिमाग से लिखता था. आज मैं अपने दिल से लिखता हूँ सर. बस ये difference है. दिमाग से लिखते थे तब फ्लॉप हुई फिल्में जी सर. दिल से लिखने लगे तो पिक्चरें भी चलने लगी. क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आई वाज स्टार्टेड एंजॉयिंग माय राइटिंग, यू नो. आई स्टार्टेड, मैं अपने आपको
कोई बड़ा राइटर नहीं समझ रहा था, पर मैं अपने आप को एक नॉर्मल कॉमन मैन समझ रहा था, उस थिंकिंग एज अ कॉमन मैन. मैं अगर आप मेरी सब पिक्चर देखो, आई थिंक फॉर द कॉमन मैन. आई डोंट थिंक कि मेरा एक्टर कोई बहुत बड़ा एक्टर है यार, ही डू दिस ही डू दैट. आई डोंट डिपेंड ऑन दैट. आई मेक सीन्स अकॉर्डिंग टू द कॉमन मैन एंड आई थिंक हाँ माई ड्राइवर विल लाफ एट दिस, माई फॉर माई ड्राइवर टू द माई फ्रेंड हु स्टेज इन नेपेंसी रोड विल लाफ एट दिस. And then it will work. Across the board, लोगों को मजा आना चाहिए. That is the whole point. It's not only for your driver. Some people think it should be for everybody. Because the movie, अगर पुरानी पिक्चर है जब चलती थी, और अगर पिक्चर चलती है तो सबके लिए चलती है. Otherwise, it doesn't run for a certain audience. You can't do that. And today, the amount of investment producers make, you should help them out to make a hit film. That's what I feel. Whoever I work, I hope that all my producers make money. That's my first contention. In writing that I don't want to write for myself, I want to write for my producer director. Kya mere director ko hit milo, mere producer paise kamaye. Main Tera Hero ek Telugu super hit hai Kandiriga, uska remake hai. Ji sir. To how comfortable are you writing remakes and how comfortable are you writing original scripts? Actually, remake likhna is the toughest thing. बिकॉज क्या हो जाता है, यू गेट रिस्ट्रिक्टेड कोमल जी. ओके. क्योंकि आप अगर चाहते भी हो कि आपको बाहर जाना है, तो वैन यू सी दैट यू कांट गेट आउट ऑफ द स्पेस. और मैं तेरा हीरो में अगर ये फ्रेशर हो गया है तो वरुण धवन की वजह से. आई वुड गिव द एंटायर क्रेडिट टू वरुण धवन एंड हिज ब्रदर रोहित धवन, हु सैट एंड रोट दिस फिल्म विद मी. एंड देन डेविड जी इज टू कम एंड गिव हिज इनपुट, बट इट वॉज बेसिकली रोहित धवन एंड मी हु सैट एंड रोट द स्क्रिप्ट. एंड इट इज वरुण हु मेड द फिल्म फ्रेश. दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज इट्स अ यंग बॉय. अगर ये कोई एल्डरली हीरो होता जो जो सुपरस्टार, इट वुड नहीं आपको बहुत खराब लगती पिक्चर. आज ये पिक्चर आपको अगर अच्छी लगी, यू प्रेज मी, इट्स बिकॉज ऑफ वरुण धवन. बिकॉज इट मेक्स यू द सीन्स लुक फ्रेशर, इट लुक्स यंगर, इट लुक्स नाइस टू यू. सो दैट्स द यूनिकनेस. मैंने ये पिक्चर भी की जब डेविड जी ने मुझे बताया कि वरुण धवन हीरो है, तो आई सेड हाँ फिर मैं करूंगा ये पिक्चर 100%. इट्स अ यंग बॉय, इट्स अ चैलेंज ऑल्सो, प्लस आई न्यू इट्स अ फ्रेश थिंग. तुषार, इससे पहले शुरुआत में, मतलब जब आप दोनों ने साथ में स्टार्ट आउट किया था, मैं आपकी और आपके पार्टनर मिलाप जवेरी की बात कर रहा हूँ, यू ऑल यूज टू वर्क एज अ टीम. फिर सडनली देखने को मिला कि ये टीम टूट गई है. क्यों तोड़ी ये टीम? जैसा मैंने कहा, जब फ्लॉप होती है तो काम ही नहीं है तो टीम का ही का. So there was no team when there were flops. Mm-hmm. So as it, we're not getting much work. Mm-hmm. So it automatically, there was no work. He became a director. I took up a job. Mm-hmm. So it, anyways, we just got separated. We have just remained in touch even today, every day. We meet every day. Mm-hmm. And we are doing a lot of work together. Like villain, he's written the dialogues for this film. Maybe, Main Tera Hero, maybe dialogues. Yeah. Unke unka lekin hai. Joint credit, ab aap log nahi lete. Nahin, wo dialogue. So this was a conscious decision? Yes, sir. Because he's realized that he wants to write dialogues. Mm-hmm. And I, as it is, never wrote dialogues. So I do the story screenplay. See, actually, Grand Masti also a funny story. We were going to narrate Grand Masti to David ji. And Indu ji called Masti. Me. Yeah, Masti. Masti. Sorry, Masti. And we were going to narrate it to David ji. Hum David ji ko sunane wale the. Mm-hmm. Aur Indu ji ne us time phone kiya mujhe. And he had not given a good movie that time. His movie didn't run. So he asked me, what are you doing? So I said, I'm going to meet David ji. So he thought I'm assisting. Unhone pucha, aap David ji ko assist kar rahe ho? So I said, nahin sir, main kahani sunane ja raha ho. So he said, are, started abusing me. Main tera director ho, tu mera shishy hai, tu usko jaake kahani suna raha. Jab tere ko pata hai, mujhe aaj kahani ki sabse zarurat. तो हमने जाके मस्ती नरेट किया सर, और इंदु जी को भी मस्ती समझ में नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट. पहला नरेशन नहीं कुछ समझ, बिकॉज इट वाज टू वल्गर एट दैट टाइम सर. बट आई थिंक वन मैन, दैट इज यू, हु केम इन एंड यू लाइक्ड इट, आई थिंक दैट हेल्प्ड अस एंड मेक द फिल्म पॉसिबल. मुझे ये बताइए, कितना डिफिकल्ट होता है, कितना मुश्किल होता है एक राइटर को ब्रेक मिलना इस इंडस्ट्री में? सर आज अगर एक राइटर को, आज तो सबसे बेस्ट पॉइंट है राइटर बनना, क्योंकि आज पीपल आर लुकिंग एट स्क्रिप्ट सर. ऑल इफ यू लुक एट द कंटेंट दैट इज कमिंग आउट, It's all new writers. If you look at the amount of new writers and directors that are coming up this year or last year. So it's very easy, I feel, today, because studios are looking at scripts. They have people over there in their studios who look at scripts and pick up scripts, because they have also realized that it's the script that makes the film today. Okay. So it's become, in fact, easier. In fact, it's a very good thing. So both simple hai, writer banna. And what is the right procedure to convince stars? पहले आप stars को convince करें और उसके बाद production house को approach करें या director को approach करें, या पहले आप एक director को excite करें और फिर stars को sign करें? Sir, सबसे बड़ा तो पहला है आपने आपको convince करें. अच्छा. वो सबसे पहला है कि यार, this is the right script that I'm writing. और उसके बाद I think it's the director. To go into the stars is the worst thing, sir. I think. Yeah, stars के बाद इस इंडस्ट्री में इतने साल गुजारने के बाद भी आप ये कहेंगे? जी सर, अगर आप स्टार्स को जाके खुश करोगे तो आपकी पिक्चर कभी हिट नहीं होगी सर, क्योंकि वो स्टार अपने आप को खुश करेगा पिक्चर में और आपकी पिक्चर नहीं चलेगी. बिकॉज आई फील एक्टर्स थिंक अबाउट देमसेल्व्स, देयर आर वेरी फ्यू एक्टर्स हु थिंक अबाउट द फिल्म व्हिच एंड दोज एक्टर्स रन. दैट्स व्हाट आई थिंक, द एक्टर्स हु थिंक अबाउट द फिल्म्स मोर देन
themselves. Yes, sir. And वही actors चलेंगे आप देख लेना. और that's what तो stars I have tried this and it's backfired. I'm telling you on my face that this is what has backfired on me. Then what happens? You start writing according to the star. You're up star को खुश कर रहे हो, picture को नहीं. So that is the worst thing, sir. I think director is the person that you should make happy, and next is the producer that you should not waste his money. Tushar, मुझे ये बताइए, कभी आप ऐसी उलझन में पड़े हैं कि director कुछ और चाहता है, hero कुछ और चाहता है, producer सोचता है कि ये scene ठीक नहीं है, because finally आप लिख रहे हैं, आपको सबको satisfy करना है, सबको खुश रखना है, तो कभी इस उलझन से आप गुजरे हैं? Sir, वो तो सबका होता है, but like I said, मैं actors की नहीं सुनता, sir. अच्छा बिल्कुल नहीं बट इस इंडस्ट्री में एक्टर्स मैं सुनता हूं इफ दे मेक सेंस सर ऑब्वियसली आई एम नॉट अ रिजिड पर्सन अगर एक एक्टर मुझे लगता है कि हां ये सेंस ही मेक सेंस लाइक इन सिद्धार्थ इन दिस फिल्म एंड विलन ही गिव अ लॉट ऑफ सजेशन मेड बी रितेश बट इट मेड सेंस टू द फिल्म एंड देन आई वर्कड अकॉर्डिंग विद दैट विद मोहित बीइंग इन कंसेंट विद इट एंड आई हैव डिस्कस्ड विद मोहित एंड मोहित हैज अग्रीड या दिस एक्टर्स डू मेक सेंस एंड देन वी चेंज दैट इज द राइट थिंग वे टू डू इट आई थिंक इफ दे मेक सेंस नॉट जस्ट बिकॉज टू बर्न द इन्फ्लेट द ईगोस वो तो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना मगर एक्टर्स को मना करने की मतलब यू नीड गट्स इन दिस इंडस्ट्री सर देन यू नीड हिट्स That is what helps you. If you're given hits, अगर आपने successful film में दिए तो writer, I mean actors, actors भी सुन लेते हैं फिर. Oh, तो मतलब successful tag होना बहुत जरूरी इस angle से भी है. बहुत जरूरी है sir, बहुत जरूरी. और अगर आपको ये वापस आपका दूसरा दौर नहीं शुरू होता तो वेयर डू यू थिंक यू वुड हैव बीन टुडे सर मुझे पता नहीं सर एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता पता नहीं क्या होता आई डोंट नो यू वुड नॉट बीन अ हैप्पी पर्सन ऑफ कोर्स सर नॉट लाइक आई सेड इट्स इन माय ब्लड आई थिंक सर फिल्म्स आर इन माय ब्लड माय ग्रैंडफादर वाज अ डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर माय फादर एंड टू बी ऑनेस्ट वी हैव सीन रियली बैड टाइम्स एंड I wanted to change that bad time, sir. And I really, we have lost a house and everything. It's become bad. Us time pe producer, agar if chalti nahi thi, aap pura barbaad ho jate. Aaj corporates hai, so it's somewhere the producer doesn't face those kind of losses because the corporates are somewhere backing you and say save. But those days, the producer if it didn't work, you were finished. You were on the road. So, so I've seen those bad times. So I know what it means to make a flop film. It hits me. It scares me. So that's why I get very scared. I want to work. That's why I work now harder to give hit films, sir. और कब आपको ऐसा एहसास हुआ कि अब there's no looking back for you? Sir, जिस दिन से मैंने बोला मैं दिल से लिखने लग गया, उस दिन से मुझे पता क्या अभी नहीं, there's nothing. And my people have around me started supporting me. So that it itself gives you that positive energy. I think जो लोग आपको मतलब मैं I don't take I think the best part of like people say oh I'm writing I got tired. I think I Finish the day very fresh. मैं If you are writing. मैं थका हुआ घर से निकलता हूँ और लिख के जब वापस आता हूँ फ्रेश आता हूँ सर I'll be honest That's lovely. That's lovely. शायद तुषार इसलिए आपकी फिल्मों में लोगों को इतना मजा आता है जो आपको मजा आता है लिखने में that translates onto the screen and इसलिए successful फिल्में बन रही है Yes, hoping that you continue your trail of successes and deliver more and more successes and bigger successes. Thank bigger you, than even Main Tera Hero and ABCD, Anybody Can Dance. Yeah. Now ABCD 2 भी है, Villain is there next. Yeah. बहुत सारी फिल्में हैं, तो अब तो आपको सांस लेने का समय नहीं मिलता होगा. नहीं सर, I'm enjoying it. Like I said, मैं निकलता हूँ थका हुआ, आता हूँ fresh होके. So I'm enjoying it. Thank you, Tushar. Thank you, Komal जी. तो दोस्तों, ये थे तुषार हीरानंदानी जी. इनकी फिल्म मैं तेरा हीरो सिनेमाघरों में बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है इज द रीमेक ऑफ तेलुगु सुपर हिट कंदिरीगा लेकिन डोंट अंडर एस्टिमेट हिज राइटिंग जैसा इन्होंने कहा दे हैव चेंज्ड इट अ बिट एंड दे मेड इट वेरी यूथफुल वेरी फ्रेश एंड ऑल्दो ही वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट फॉर दैट टू वरुण धवन ऑब्वियसली द क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन टू हिम ऑल्सो क्योंकि तुषार हीरानंदानी ने भी बहुत बढ़िया काम किया है एज स्क्रीन प्ले राइटर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट बॉलीवुड बिजनेस एट zeenetwork.com एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बीबिज स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC Bollywood दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय